स टू पॉइंट ओ अ नोवल इनिशिएटिव ऑफ अभिमन्यु आई एस सो माई नेम इज़ दीपाली कक्कड़ एंड मैं इस अभ्यास 2.0 सीरीज में आज आपके लिए लेकर आ रही हूँ हरियाणा जीके का सेशन राइट तो आई होप कि आज तक हमने जो हरियाणा जीके के सेशंस किए हैं बेस्ड ऑन योर कमेंट्स आपको अभी ऐसी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है हमारे पिछले सेशन में राइट एंड अभी तक आपने जो सारे हमारे सेशन में अच्छे से कंसेप्ट को समझा भी है राइट सो so, आज का हमारा है सेशन नंबर सिक्स ठीक है जी एंड आज हम जो तो डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारा एक पेंडिंग टॉपिक रह गया था ठीक है सम हाउ सो दैट वॉज सॉइल्स ऑफ हरियाणा ठीक है तो हरियाणा की जोग्राफी को हमने काफ़ी जो है ईच uh, सेशन हमने इसमें डेप्थ पे लगाया है हमने फिजियोग्राफी समझी है सबसे पहले हमने बेसिक समझे हैं लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड एक्सटेंड समझा है राइट right? फिर हमने फॉरेस्ट को अच्छे से समझा है हरियाणा के कैसे uh, किस प्रकार के हमारे फॉरेस्ट कवर हैं क्लियर हो गया उसके साथ साथ हमने रिवर्स को भी समझा है सो so, एक हमारा जो ऐसा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो है सॉइल्स ऑफ हरियाणा अब ये सॉइल्स हमारे लिए समझना क्यों जरूरी है ठीक है so, सो सॉइल क्या है एक तरह का हमारे लिए मिनरल भी हम बोल सकते हैं होता है ठीक है और दूसरी चीज़ क्या होती है कि सॉयल जो है हरियाणा क्या है हमारा एक एग्रीकल्चर स्टेट भी हम बोल सकते हैं ठीक है चाहे यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर ठीक है एक हमारा प्रमुख इकोनमी का पार्ट है क्लियर सो एग्रीकल्चर के सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या होगी सॉयल ठीक है सो सॉइल किस टाइप की मिलती है उसके बेस्ड पे हमारी क्रॉप्स कैसी होंगी ये जो है वो वेरी करता है तो इसलिए हमें सॉइल्स को समझना है क्लियर है सो so, इसके बाद हमारा जोग्राफी ऑफ हरियाणा वुड बी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड सिर्फ एक दो टॉपिक्स हमारे रह जाएंगे जिसको हम मैक्सिमम आई गेस गैस की एक सेशन में कवर कर लेंगे अदरवाइज टू उसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ हरियाणा देखेंगे ठीक है उसके बाद हमें इकोनॉमी ऑफ हरियाणा भी देखनी है क्लियर सो वी विल ट्राई कि हम एक सेशन और ले अपना सिर्फ जियोग्राफी ऑफ हरियाणा के ऊपर ठीक है जी तो आज के सेशन में हमें क्या करना है स्वाइल्स करनी है बट स्वायल्स करने से पहले क्या है uh, हमें सबसे पहले हरियाणा के जो हमने जो uh, ज्योग्राफिकल डिविजन्स की थी ठीक है एक बार तो वो रिवाइज करनी है बट उसके साथ साथ एक और चीज़ है हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉइल्स होनी चाहिए ठीक है कि इंडिया में कितनी तरह की सॉइल्स मिलती हैं ठीक है तो मेजरली इनको एट सॉइल्स में ही क्लासीफाई किया जाता है जो इंडिया की सॉइल्स हैं बट उनमें से भी प्राइम इंपॉर्टेंस की जो है वो पाँच सॉइल्स जो है वो मानी जाती है ठीक है जी सो so, अगर हम सॉइल्स की अब बात करें आ, राइट सो so, इंडिया की सॉइल्स कौन कौन सी हैं सबसे पहली और सबसे प्रमुख सॉइल जिसे हम बोल सकते हैं ठीक है ये सॉइल्स ऑफ इंडिया है अब सॉइल क्या होती है अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अवर क्रस्ट ठीक है जो हमारी अर्थ क्रस्ट की सबसे ऊपर वाली ऊपरी परत होती है उसको सॉइल बोलते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं ठीक है तो तीन चीजें इसमें पाई जाती हैं ठीक है एंड सैंड फिल्ट एंड क्ले तो सैंड क्या होती है सबसे लूज पार्टिकल ठीक है सबसे लूज मतलब कि उनमें काफ़ी सारी एयर है थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होते हैं ठीक है और वो इतनी एयर है कि वो आपस में बाइंड नहीं कर रही है अब बाइंडिंग नहीं करेगी तो पौधों की जड़ें भी उसमें जो है नहीं ग्रो करेंगी क्योंकि क्या होता है कि उसमें जो है वाटर जो है कंटेंट वाटर जो है वहाँ पर रिटेन ही नहीं करेगा सॉइल से लीच आउट कर जाएगा सो दैट इज़ वाई सॉइल जो सैंड होता है वो मोस्ट इनफर्टाइल होता है ठीक है उसके बाद क्या आती है उससे थोड़े से महीन जो कण होते हैं ठीक है अच्छा सबसे पहले सैंड सिल्ट एंड क्ले बनता कैसे है तो ये सब बनेगा रॉक्स से रॉक्स जो है जब वो भीतर छोटे छोटे कट जाएंगे डिन्यूड हो जाएंगे बिल्कुल छोटे छोटे कण होते हैं जो रॉक्स के वो क्या बनाते हैं सैंड सिल्ट एंड क्ले सबसे जिसको हम बोल सकते हैं कि इन तीनों में सबसे मोटे कण किसमें है सैंड में है ठीक है उसके बरी कण किसमें है सिल्ट में है और सबसे महीन क्ले में होते हैं चीकनी मिट्टी ठीक है तो इन तीनों को मिश्रण के साथ क्या बनती है सैंड और एक और चीज होती है दैट इज द ऑर्गेनिक कंटेंट और ह्यूमस ठीक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी जो है सॉइल में क्या है फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए ह्यूमस क्या है ऑर्गेनिक मैटर है कोई ठीक है हम बोले कोई जीव जंतु है ठीक है उसकी डेथ हो रही है तो उससे भी ऑर्गेनिक मैटर बनेगा और जो हमारे प्लांट्स हैं उनके जो लीव्स हैं वो डिग्रेड हो रहे हैं तो वो भी ह्यूमस को ही जो है एक फॉर्म लेते हैं ठीक है सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ दिस ऑल कंसिस्ट इन द सैंड ठीक है सॉरी so uh, सॉइल देख लिया उसमें कौन कौन से कॉम्पोनेट होते हैं इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट राइट अब इंडिया में मेजरली सॉइल कितनी तरह की आती है एट तरह की ठीक है सबसे पहली या सबसे ज्यादा जो मिलती है वो होती है अलूबियल ठीक है जी फर्स्ट होती है हमारी कौन सी अलूबियलूबियल फोर्टी थ्री टू फोर्टी फाइव परसेंट जो है इंडिया की सॉइल वो कौन सी है अलूबियल सॉइल ही है ठीक है जी सो यह अलूबियल सॉइल जो है हमारी सबसे प्रमुख सॉइल है इसका अब फॉर्मेशन कैसी होती है वही है कि जब रिवर्स आती हैं तो उन्होंने क्या किया है आते हुए अपने कोर्स रिवर कोर्स के टाइम पे माउंटेन्स को डिन्यूट किया है डिग्रेड किया है काफी कंकरों को तोड़ा है तो उन्हें वो बहुत मह... जो है हम बोल सकते हैं बारीक करने के आती हैं जिनको जब सॉरी तो जिनको जब वो डिपॉजिट करती हैं ठीक है तो जब वो क्या करती हैं वो सब रॉक्स को जब वो डिन्यूट करके ला के डिपॉजिट कर देती है तो वो अलूवियल सॉइल होती है तो ये सॉइल जो है ये रिवर्स फॉर्म करती है उसके बाद आती है हमारी ब्लैक सॉइल या फिर रेगुर सॉइल ठीक है ये हम इंडिया के एक बार क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ब्लैक या फिर रेगुर सॉइल जो होती है ठीक है ये हमारी मिलती है जी जो हमारा इंडिया का कॉन्टिनेंटल पार्ट है प्लेट्यूज रीजन में ठीक है जो डेक्कन प्लेट्यू है जहाँ पे क्या हुआ था वॉलकैनिक इप्शन हुई थी बहुत टाइम पहले जब इंडिया फॉर्म हो रहा था ठीक है तो अब क्या हो रहा है वहां के जो रॉक्स हैं जब वो डिन्यूड होंगे तो वहां पे कैसी सॉइल बनेगी ब्लैक कलर की वो इन नेचर है है ठीक तो वो होती है हमारी रेगुड या फिर ब्लैक सॉइल ठीक है जी उसके बाद जो हमारी थर्ड काइंड ऑफ सॉइल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है वो आ जाती है जी रेड सॉइल ठीक है दिस इज रेड इन कलर ठीक है तो ये रेड कलर की सॉइल होती है एंड इसमें जो है आयरन कंटेंट जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है ठीक है उसके बाद आ जाती है हमारी लेटराइटिक सॉयल ठीक है इसमें क्या होता है इसमें जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो लीच आउट कर जाते हैं ठीक है तो बेसिकली ये वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं इंडिया के ठीक है वेस्टर्न घाट्स में जो है हमारी लेटराइटिक सॉल पाई जाती है हैवी रेनफॉल के कारण क्या है जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो क्या हो गए वो ड्रेन हो गए तो ये लेटराइटिक सॉइल पाई जाती है ठीक है ये हमने चार कर ली उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सॉइल मिलती है वो होती है जी हमारी डेजर्ट सॉइल ठीक है डेजर्ट सॉइल जो है और डेजर्ट सॉइल का फीचर क्या रहता है? और मिलता है हमारा सबसे? तो और कुछ कुछ पंजाब और हरियाणा में डेजर्ट सॉइल देखने को मिलती है ठीक है उसके बाद ये मेन हमारी जो है फाइव टाइप्स ऑफ सॉइल है जो इंडिया में मिलती है जी उसके अलावा तीन तरह की और हमारी जो है सॉइल मिलती हैं वो कौन कौन सी है एक बार इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा तो ठीक है तो उसके बाद मिलती है हमारी एक होती है माउंटेन सॉइल जिसको कहीं कहीं फॉरेस्ट सॉइल भी बोलते हैं ठीक है माउंटेन सॉइल जो होती है वो कहां पे मिलती है तो माउंटेन सॉइल जो है जो हमारा हिमालयन रीजन है शिवालिक रीजन है वहां पे हमें जो है भैया माउंटेन सॉइल जो है देखने को मिलती है क्लियर सो माउंटेन सॉइल के बाद एक और हमारी जो आ जाती है वो आ जाती है हमारी एक पीट सॉइल ठीक है पीट सॉइल वो है जो सॉइल अभी फॉर्म हो रही है काफी न्यू सॉइल है ठीक है सो मेन हमने पांच के बाद इन तीन सॉइल को भी देख लेना है जी ठीक है और लास्ट जो हमारी होती है वो होती है एक अलकाल ठीक है एक होती है हमारी अल्कालीन इसमें क्या है सलाइन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है ठीक है तो सलाइन कंटेंट के कारण क्या होता है इस सॉइल में जो है वो खेती करनी इतनी इजी नहीं है क्योंकि सॉल्ट ज्यादा है तो ऑर्गेनिक मैटर सारा डेड हो जाता है ठीक है डिकम्पोज हो जाता है वो मिनरल्स में कन्वर्ट नहीं होता है ठीक है तो बेसिकली अब अगर हम हरियाणा की बात करें ठीक है तो हरियाणा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल uh, जो हमारा फीचर था वो कौन सा था वो था हमारे जो अलूबियल प्लेन्स बन रहे ठीक है तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विच काइंड ऑफ सॉइल प्रीडोमिनेट्स ठीक है द हरियाणा ज्योग्राफी कौन सी सॉइल सबसे ज्यादा हरियाणा में पाई जाती है सो आंसर वुड बी अलूबियल सॉइल ठीक है इस चीज को आपने जो है याद रखना है सबसे ज़्यादा जो हमारे हरियाणा में सॉइल पाई जाती है वो है अलूबियल सॉइल ठीक है और हम अगर बात करें ठीक है तो कहीं आपने ब्लैक सॉइल का जिक्र देखा है कभी हरियाणा में कि ब्लैक सॉइल्स हैं नहीं प्लेट नहीं है रेड सॉइल देखी है नो ठीक है लेटराइट राइट सॉइल देखी है नहीं राइट डेजर्ट सॉइल यस ये मिलती है हमने सैंड ड्यून की बात की है तो डेजर्ट सॉइल भी जो है हमारे यहाँ मिलती है फिर उसके बाद माउंटेनियस सॉइल ठीक है तो यस माउंटेनियस सॉइल मिलेगी हमें शिवालिक वाले रीजन में ठीक है उसके बाद अल्कैली एंड पीट सॉइल जो है नहीं मिलती है तो इंडिया की जियोग्राफी में से तीन तरह की सॉइल्स हमें मिलेंगी अब इनका कुछ सब डिविजन जो है हमें हरियाणा की जियोग्राफी के हिसाब से देखना है राइट सो आई होप यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ सॉइल एंड मेजर सॉइल्स ऑफ द इंडिया ठीक है सो लेट एस प्रोसीड फर्दर विद द सॉइल्स ऑफ हरियाणा ठीक है उससे पहले यही चीज़ छोटी सी रिवीजन एक और कर लीजिए ये क्या कौन सा रीजन था हमारा ये रीजन था हमारा शिवालिक रीजन ठीक है ये कौन सा रीजन था हमारा शिवालिक रीजन उसके बाद प्लेन प्लेन बने थे हमारे ठीक है के बाद हमारा सैंड ड्यून वाला रीजन था हमारे अरावली वाला क्षेत्र था क्लियर अरावली वाले क्षेत्र के साथ साथ और हमारे जो है ओल्ड फ्लड प्लेन्स भी बनते थे ठीक है और जो हमारा एक बागर रीजन है ठीक है जो कि अगेन जो हमारा दे, वो डेजर्टिक रीजन ठीक है जो हिसार सिरसा भवानी के आसपास है जहाँ पे वो रीजन जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रही है वहाँ पे ताल भी मिल रहा था ठीक है तो ये हमारे मेजर रीजन से इन्हीं के हिसाब से हम जो है सॉइल देखेंगे एक और चीज़ हम सॉइल के फीचर्स में देखते जाएंगे ठीक है तो सॉइल फॉर्मेशन जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कहीं ना कहीं जो होती है कि वहाँ पर जो फिजियोग्राफी कैसी है ठीक है अगर पहाड़ क्षेत्र है तो कैसी मिलेगी माउंटेन वाली सॉइल मिलेगी राइट उसके बाद अगर डेजर्ट रीजन है तो डेजर्टिक सॉयल जो अलूबियल प्लेन

जो है ये फ्लड प्लेन है एंड बाघर वो रीजन है जहां पे क्या है हमें soil मिलेगी सॉरी जो हमें जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रही है जहाँ पे कुछ पानी इकट्ठा हो रहा है वो क्या था ताल तो वहां पे कैसी हमें सॉइल मिलेगी ठीक है तो ये जो चीजें हैं हमें देखनी है यहाँ पे यही लिखा गया है जो हम आगे डिस्कस करेंगे डेप्थ में राइट right? तो अब हम चलेंगे अपनी मेन क्लासिफिकेशन की तरफ ठीक है जो क्लासिफिकेशन जो है हमें एग्जामिनेशन में भी पूछी जाएगी और जो सॉयल के फीचर हमें याद रखने हैं तो फर्स्ट इज रेडिश चेस्ट नट सॉयल ठीक है फाइव टाइप्स ऑफ सॉयल हम देखेंगे तीन आपको क्लियर होगी राइट एलूवियल मिलेगी हमें माउंटेन वाली मिलेगी और डेजर्ट मिलेगी ठीक है सो so पहली क्या है ये जो हम देख रहे हैं ये एक तरह की आप माउंटेन सॉयल भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि जो रेडिश चेस्ट नट सॉयल है ठीक है ये जो हमें मिल रही है ये शिवालिक के रीजन में मिल रही है जनरली चेस्टनट ग्रो होते हैं ये जो है, दी गई है। उस सॉइल को जो कि हमें शिवालिक रीजन में मिलेगी शिवालिक रीजन हमने देखा था पंचकूला अम्बाला यमुना नगर में मिलेगा क्लियर और क्या होता है ये एसिडिक टी न्यूट्रल होती है ठीक है अब ये एसिडिक है ठीक तो क्यूं है तो एसिडिक है क्योंकि यहाँ पे क्या है जी सबसे ज़्यादा जो है रेनफॉल मिलेगी सबसे ज़्यादा रेनफॉल तो ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो क्या हो रहा है एक तरह से वो डिके भी होता रहेगा और उसके साथ साथ लीच आउट भी होता है ठीक है तो हरियाणा का ठीक है एक चीज़ है हमने लास्ट भी देखा था कि रेनफॉल का पैटर्न अगर बात करें शिवालिक रीजन में सबसे ज़्यादा रेनफॉल मिलती है बिकॉज हिमालय जो है वो क्या है क्लाउड्स को रोक लेते हैं ठीक है थीके? और उसके कारण जो है हमारे शिवालिक रीजन में बहुत रेनफॉल होगी बट अरावली क्या है वो पैरल है क्लाउड्स चले जाएंगे तो अरावली वाले रीजन में जो रेनफॉल है वो कम देखने को मिलती है ठीक है तो यही हम में भी देखेंगे जैसे जैसे-जैसे हम, ठीक है? अपने शिवालिक रीजन से डेजर्टिक डेजर्टिकॉइल की तरफ जाएंगे रेनफॉल जो है वो कम होती जाएगी क्लियर सो फर्स्ट इज द इसी में मिलेगी आपको वन थाउजेंड टू फिफ्टीन हंड्रेड एम एम या फिर इसको सेंटीमीटर में सौ से एक सौ डेढ़ सौ जो है सेंटीमीटर माना गया है ठीक है इसको पीड माउंट सॉइल भी बोला जाता है इसमें प्रॉब्लम है सोयल रोडिन की ठीक है पीड माउंट मतलब पर्वत तलीय है हाँ ना हमने देखा था शिवालिक के बाद पीड माउंट क्षेत्र है तो दोनों की कंबाइंड सॉइल जो है उसको रेडिस्ट नॉयल बोला गया है। अब ये इसमें सॉइल इरोजन क्यों देखने को मिलता है क्योंकि सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा यहाँ पे हमें रेनफॉल मिल रही है जब भी रेनफॉल एक्सेस होगी वो क्या करेगी वो जो क्षेत्र है जहाँ से वो फिर नदियों का भाव बढ़ेगा तो वो वहाँ पे वो जो है अपर लेयर ऑफ सॉइल को कट करती हुई जाती है ठीक है सो so यहाँ पे क्या है सॉइल इरोजन के कारण जो सॉइल की क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं रहती सबसे ज़्यादा फर्टाइल की लेयर जो होती है सॉइल की मोस्ट होती है है एंड व्हेन वो ही इरोड जा रही है, तो सोयल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी राइट right? बट क्योंकि अब क्या है हमारे पास यहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत अच्छा है ठीक है तो इसमें काफी सारी वैराइटीज़ ठीक है जैसे कि वीट राइस ठीक है राइस देखिए राइस के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो तो नेचुरली ही फुलफिल हो रही है सो वीट राइस शुगर केन मेज जैसे में ये जो है यहाँ की मेजर क्रॉप्स हैं अब इस सॉइल का जो हम बात करते हैं पीएच रेंज क्या है 6.5 टू 7.5 जो है पीएच रेंज देखी जाती है इसमें फास्फोरस पोटासियम नाइट्रोजन जिंक एंड आयरन की कमी है ठीक है सॉइल के तीन मेन कंटेंट होते हैं एनपी के नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटासियम ठीक है वन इंटू टू इंटू वन की रेशो में होते हैं ठीक है और ये ही डिस्टर्ब होता जा रहा है ठीक है ये रेशो डिस्टर्ब होती जा रही है क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स हैं जो सस्ते फर्टिलाइजर्स हैं उनका एक्सेसिव यूज हो रहा है नाइट्रोजन यूरिया राइट सो उसके कारण सॉइल्स की जो हेल्थ है वो खराब हो जाती है क्लियर सो so, कौन कौन सी चीज़ें इसमें लैक करती हैं बट मेजर आपने क्या देखना है रेडियो स्टेशनर सॉइल कौन से रीजन में मिलेगी शिवालिक एंड पीडमोट रीजन में, में रेनफॉल कितनी है सबसे ज्यादा रेनफॉल इसी रीजन में मिलती है क्योंकि ये लोअर हिमालय में से जो जुड़ते हैं तो वन टू वन या वन जो है सेंटीमीटर तक हमें इसमें रेनफॉल देखने को मिलेगी क्लियर है एंड ये सॉइल जो है ये कालका पंचकूला अम्बाला जगाधरी यमुनानगर ठीक है वही तीन रीजन जो है जहाँ पे शिवालिक एंड पीडमौट रीजन मिल रहा था वहीं पे ये सॉइल मिलेगी क्लियर है क्रॉप्स क्या है राइस बड़ी इजीली हम ग्रो कर सकते हैं वाटर अवेलेबल है बहुत सारी रेनफॉल के कारण वीट जो है वो ग्रो किया जा सकता है मेज शुगर केन राइट एंड में जो है यहाँ की प्रमुख क्रॉप्स होगी क्लियर नेक्स्ट अब जो हम सॉइल देखेंगे दैट इज द ट्रॉपिक एरी जो है हमारी एरिड ब्राउन सॉइल या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारी है जी अलूवियल सॉइल ठीक है ये कौन सी है ये अलूवियल सॉइल है कौन कौन से रीजन में मिलेगी जहाँ पे साढ़े सात सौ से जो हजार एम तक या फिर सेवेंटी फाइव टू हंड्रेड सेंटीमीटर तक जो कि है एनुअल लेनफॉल देखने को मिलती है लिए अब इसमें क्या है इट हैज नो कैल्शियम कार्बोनेट लेयर विद इन वन मीटर ऑफ द सर्फेस एंड लैक्स फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर नहीं होती है ठीक है क्यों नहीं होती है ये अलूवियल रीजन है रिवर जब आएंगी तो वो क्या है अपने साथ जो है इरोड करके सॉइल लाएंगी उसकी परत बिछा देंगी सो दिस इज कम्पेरेटिवली मोर फर्टाइल सॉइल क्लियर एंड उसके साथ साथ अब इसकी पी रेंज सेवन टू एट पीएच रेंज जो है वो सॉइल की जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो बढ़ती जाएगी रेनफॉल क्या है कम होती जाएगी ठीक है जी तो so, अब ये मेजर पॉइंट है अलूवियल पॉइंट जो मैंने सोइल बोला वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे कौन से हमारा जियोग्राफिकल फीचर को रिप्रेजेंट करती है दैट इज अलूवियल प्लेन्स अलूवियल प्लेन्स हमने दो डिस्कस किए थे भांगर एंड खादर तो भांगर क्या थे ओल्ड ठीक है जी खादर क्या है न्यू फ्लड प्लेन्स सेम सॉइल की क्लासिफिकेशन आ जाएगी भांगर क्या है वो सॉइल जो पहले बनी थी ठीक है और खादर क्या है वो सॉइल जो अभी रिसेंट में बन रही है ठीक है सो so, क्या है देखिए यहाँ से चलो माउंटेन है ये हमारे प्लेन्स हैं अब क्या है है आ रही ठीक है सॉरी वाटर uh, जब आया ठीक है जब रेन के कारण रिवर्स आई तो क्या हुआ इस रीजन को अगर हम बोलें कि ये थोड़ा सा ऊपर है ठीक है तो यहाँ तक पहले ये रिवर जो है वो कवर कर रही थी फ्लड्स ठीक है ये क्या हो गया इसके ओल्ड फ्लड प्लेन्स ठीक है तो यहाँ पे जो हमारी सॉइल डिपोजिट हो गई जो थोड़े हायर हाइट पे हैं ठीक है थीके? वो हो गई हमारी भांगर रीजन में भांगर सॉइल ठीक है अब क्या है ये हायर लेवल पे हो गया है अब रिवर जो है इतने हायर लेवल पे जा नहीं रही है वहां तक उसके फ्लड प्लेन की डिपोजिशन हो रही नहीं है अब थोड़े लोअर लेवल पे डिपोजिशन हो रही है तो ये क्या हो गया हमारा खादर रीजन जिसको हम न्यू फ्लड प्लेन बोलते हैं एंड इसमें खादर सॉइल जो है वो देखने को मिलेगी ठीक है क्लियर है दो तरह से याद रखना है भांगर और खादर जो होते हैं भांगर ओल्ड फ्लड प्लेन खादर न्यू फ्लड प्लेन तो जो भांगर सॉइल होती है वो कंपेरेटिवली हायर एलिवेशन पे मिलती है खादर सॉइल जो होती है वो कंपेरेटिवली लोअर एलिवेशन में मिलेगी उसके बाद कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो करेंगे अगेन हम राइस ग्रो कर सकते हैं हम वीट ग्रो कर सकते हैं शुगर केन क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज सफिशेंट डू टू रेनफॉल उसके साथ साथ कुछ रीज़न में ठीक है कॉटन ठीक है जो है उसको भी ग्रो किया जा सकता है ठीक है अब ये जो सॉइल है कौन कौन से रीजन में मिलेगी तो so, यमुनानगर करनाल कुरुक्षेत्र पानीपत सोनीपत ठीक है पार्ट्स ऑफ फरीदाबाद एंड उसके साथ साथ थानेसर एंड फतेहाबाद एंड जगाधरी में ये जो है सॉइल आपको देखने को मिलती है ठीक है तो ये सॉइल के मेजर रीजन कौन से हो गए हमें याद रहेंगे अलूवियल प्लेन्स वाले क्लियर जी एंड तो हमने दो सॉइल देख ली जो हमें इंडियन ज्योग्राफी से भी समझ आती थी पहली हमारी हो गई रेडिश चेस्ट नट सॉयल जो थोड़ी रेड कलर की है फॉरेस्ट रीजन में जो शिवालिक के रीजन है या पीडमाउट रीजन है वहाँ पे मिलेगी नेक्स्ट हमारी जो सॉइल हो गई वो हो गई जी ट्रॉपिकल एरिड ब्राउन सॉइल ठीक है ट्रॉपिकल क्यों है ट्रॉपिकल वहाँ लिखा जाता है जहाँ रेनफॉल मिलती है एरिड क्यों है क्योंकि रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर तो हमें मिल नहीं रही है ठीक है ये हमें थ्रू आउट ईयर नहीं मिल रही है तो ये रीजन क्या है कभी कभी इसमें सूखा भी मिलता है ब्राउन कलर की सॉइल है ये ठीक है और सिंपल में हमें इसे बोलेंगे कि हमारी अलूबियल सॉइल है नेक्स्ट देखिए अब जो हमारी नेक्स्ट सॉइल है दैट इज एरिड ब्राउन सॉइल वो क्षेत्र जहाँ पे ट्रॉपिकल वर्ड लगाया था ज्यादा रेनफॉल थी अब रेनफॉल थोड़ी और कम होगी ठीक है कहाँ तक किया था हमने सबसे पहले हजार से पंद्रह सौ एम ठीक है उसके बाद सेवन टू वन थाउजेंड अब क्या बचा है फाइव टू सेवन फिफ्टी तक की जो है रेनफॉल हमें देखने को मिलेगी पीएच की रेंज क्या होनी है इंक्रीज सबसे पहले क्या थी 6.5 पीएच था उसके बाद 7.5 इसमें पीएच की रेंज क्या होगी इंक्रीज होकर 7.5 पॉइंट फाइव टू एट तक की जो है इसमें पीएच की रेंज हो गई ठीक है पीएच जो है वो इंडिकेट करता है एसिडिक एसिडिकॉल एल्कलाइन लेवल्स राइट अब इस रीजन का जो है ठीक है एक मेन चीज क्या है हमने लास्ट किया था कि उसमें कोई लेयर ऑफ जो है हमें कंकर वगैरह या कार्बोनेट की नहीं मिल रही बट इस रीजन में हमें एक ग्रेवल कंकर की लेयर मिलेगी फ्रॉम द डेप्थ ऑफ वन टू फिफ्टीन मीटर ठीक है क्यों मिलती है ये ठीक है तो क्या है ये एक एरिड रीजन है थोड़ा सूखा क्षेत्र है तो बार बार रेनफॉल जब नहीं होगी ठीक है तो क्या होगा अपर लेयर जो है वो सूखी जाएगी ठीक है और उसमें जो रॉक्स हैं ठीक है थोड़े रॉक्स मिलते हैं इस लेयर में ग्रेवल जो है वो दैट इज़ रॉक ठीक है और जब रॉक मिलेंगे तो क्या होगा अगेन वो जो हमारी सॉइल है वो थोड़ी सी खेती के लिए अनफर्टाइल मानी जाएगी इसमें हमें अगेन इरीगेशन का फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके इसको हमारे एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करना पड़ेगा इस सॉइल में क्या क्या लैग करता है नाइट्रोजन पोटाशियम एंड जिंक उसके बाद इट इज फर्दर डिवाइडेड इन टू थ्री ठीक है अब ये भी तीन तरह की होती है थिक लोम मीडियम लोम एंड जो हमारी होती है लाइट लोम ठीक है सो अगर मैं सीधा बोलूं तो ये इतना आ, क्या है डेफ्थ तक आपसे डिवीजन नहीं पूछा जाएगा ठीक है लोम जो होता है ठीक है जो लोमी सॉइल होती है उसमें क्या है जो कंकर होते हैं ठीक है थीके? वो थोड़े से ज्यादा होते हैं ठीक है सो so, ये लोमी सॉइल होती है और इसमें वाटर रिटेंशन जो होती है वो थोड़ी सी बेहतर भी होती है लोअर लेवल पे बट अपर जहां पे कंकर है वहां से क्या हो जाएगा सोचिए so, अगर कंकर है तो वहां पर पानी क्या उस सतह पर रुकेगा नहीं वो जल्दी से नीचे चला जाएगा ठीक है तो उसके बाद मीडियम लोम सॉइल इज फाउंड इन सोनीपत करनाल कुरक्षेत्र ठीक है कैथल जींद गुरुग्राम फरीदाबाद वाले रीजन्स में लाइट लोम जो है वो अंबाला नॉर्थ गुरुग्राम एंड नूर डिस्ट्रिक्ट तक जाएगी एंड ठीक है उसके अलावा इन्होंने बताया है आपको कि जो मेन इनके अगेन ठीक है हमारे आ, वैसे तो क्या हो रहा है अब यहाँ पे फर्टिलाइजर के लिए हमें क्या जो आ, अगर हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और इरिगेशन के थ्रू अब क्या कर रहे हैं हम वीट राइस वी ग्रो कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं राइस के लिए थोड़ी सी कंडीशन टफ हो जाती है ठीक है मेज कॉटन ठीक है शुगर क्रीन जवार ठीक है मिलेट्स वगैरह तो जो है इस रीजन में खास करके उगाए जा सकते हैं जी उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट सॉइल की टाइप देखेंगे एरिड ब्राउन देख ली उसके पहले कौन सी ट्रॉपिकल जो है हमारी एरिड ब्राउन कलर की सॉइल उससे पहले रेडिश चेस्टनट सॉइल क्लियर नेक्स्ट सॉइल देखिए अब जो नेक्स्ट सॉइल है हमारी वो है सियोरोजम सॉइल ठीक है कहीं कहीं इसी सॉइल को डेजर्ट सॉइल भी बोला जाता है ठीक है अगर सिंपली हम इंडिया की बात करें तो डेजर्ट सॉइल को ही अलग -अलग रेनफॉल का डिफरेंस देखने को मिलता है ठीक है तो, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी सॉइल थी जिसमें हमें एक लेयर मिल रही थी ग्रेवल्स की तो कौन सी थी एरिड ब्राउन सॉइल क्लियर है जी तो अब इस सॉइल पे देखेंगे सियरोजन सॉइल जो है ठीक है ये कौन से रीजन में मिलेगी 300 हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड एम से 50 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल जहां पे देखने को मिल रही है ठीक है और इससे पहले भी हमने देखा था 500 हंड्रेड टू सेवन फिफ्टी एम तक की रेनफॉल थी ठीक है उसके बाद क्या है इसको रसोली सॉइल भी बोलते हैं ठीक है अब इसको रसोली सॉइल क्यों बोलते हैं इसमें सेलिनिटी और एल्के जो एल्कालाइन जो नेचर है इस साइन का ज्यादा है ठीक है कैल्सरस है यहाँ पे जो कंकर है वो भी मिलेंगे ठीक है इट हैज अ कंकर एट द डेप्थ ऑफ 75 टू 125 सेंटीमीटर ठीक है पहले जो है अपर लेयर में 1 मीटर टू 15 मीटर तक थे अब ये 75 टू 125 सेंटीमीटर तक इसमें कंकर मिलेंगे ये सॉयल अब कैल्सियस क्यों हो रही है क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये एक सीरोजम सॉइल जो है डेजर्ट का ही टाइप है तो वाटर जो है वो कम होता जा रहा है एरिड रीजन में मिल रही है वाटर मिल नहीं रहा तो क्या है कंकड़ बनने लगते हैं जो सॉइल है वहाँ पे कंकड़ ज्यादा पाए जाएंगे राइट एंड अब ये भी दो तरह की होती है लाइट वेरी लाइट अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अब क्रॉप्स देख लीजिए अब पानी क्या है कम है वीट ठीक है और राइस जो है वो क्या हो गया डिफिकल्ट ज्यादा क्या चीज़ें उगाएंगे अब इसमें मिलेट्स ठीक है जैसे कि बाजरा गुआर मूट तिल ठीक है तो ये जो है यहाँ की मेजर जो है ज्वार कॉटन रेपसिड मस्टर्ड ये यहाँ की क्या हो जाती है मेजर हमारी जो है क्रॉप्स हो जाती है ठीक है क्रॉप्स को भी हम एक बार अगर समझे तो क्या होता है डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल और उसके साथ साथ वहाँ का टेम्परेचर जो ह्यूमिडिटी है वो भी जो है मैटर करता है किसी भी जो है क्रॉप की कल्टिवेशन के लिए ठीक है अब रेनफॉल कम हो रही है जो कंकर ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ पे वीट या हम बात करें राइस उसको ग्रो नहीं किया जा सकता शुगर केन ठीक है जो हमने सबसे पहले डिस्कस किए थे वो अब ग्रो नहीं किया जा सकते अब जो आ गए वो हमारा गु, बाजरा गुआर मोत ठीक है और उसके साथ तिल हो गया ठीक है ग्राम हो गया चने हो गए ठीक है इन सब की जो है खेती यहाँ पे वो ज़्यादा जो है हम बोल सकते हैं इजी रहती है ठीक है एंड उसके बाद इट इज़ मेनली फाउंड इन भिवानी रेवाड़ी गुरुग्राम झज्जर हिसार या फिर अगर सिंपली बात करें तो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा दैट शेयर्ज बाउंड्री विद द राजस्थान ठीक है क्योंकि राजस्थान से जो है यहाँ पे हमें आ, सैंड आने के कारण जो है इस सॉइल का नेचर जो है वो चेंज होने लग गया है अब ठीक है दूसरा क्या हो रहा है रेनफॉल जो है कम होने लगी ठीक है एंड इसके बाद फाइनली हमारी आ जाएगी डेजर्ट सॉइल Clear. तो जो डेजर्ट सॉइल है फिफ्थ टाइप ऑफ अब ये थ्री हंड्रेड एम एम से भी रेनफॉल जो है वो कम मिल रही है ठीक है सैंडी है ऑर्गेनिक मैटर जो है यहाँ पे वो बहुत कम हो जाता है ठीक है मॉइस्चर कंटेंट कम है इट इज सेलाइन एंड अल्कलीन एंड हैज हाई कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट अब डेजर्ट सॉइल में क्या डिफरेंस देखने को मिला है ठीक है दिस इज हाईली सलाइन एल्कलीन मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम हो गया है बट कहीं ना कहीं जो सीरोजिम साइयल में थोड़ा बहुत मॉइस्चर कंटेंट रहता है जो मैं हिसार भिवानी वाले रीजन में देखने को मिली दूसरा उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट था बट डेजर्ट सॉयल में कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट इज हाइस्ट इन हरियाणा ठीक है उसके बाद अब इसकी जो मेन क्रॉप्स हैं जो नेचुरली डेजर्ट्स में हो जैसे कैक्टस बबूल खेजरी ठीक है उसके साथ साथ अब हम कौन सी जो है ग्रो कर लेते हैं ग्राम बाजरा ज्वार ठीक है विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इरीगेशन ठीक है तो बहुत ही सिंपल तरह से फाइव टाइप ऑफ हमें जो है अपनी क्लासीफिकेशन को याद रखना है ठीक है जी तो फाइव क्लासिफिकेशंस हैं फर्स्ट कौन सी थी हमारी फर्स्ट है हमारी जी रेडिस्ट टेस्टनस चेस्टनट uh, सॉयल ठीक है जो कि हमें शिवालिक और पीडमॉन्ट रीजन में मिली नेक्स्ट है हमारी ट्रॉपिकल एरिड ब्राउन सॉइल या फिर अलूबियल्स सॉइल फर्दर क्लासिफाइड इनटू खादर एंड भांगर ठीक है एंड ये हमें मिलती है हमारे अलूबियल प्लेन्स वाले रीजन में नेक्स्ट हमारी हो गई जी एरिड ब्राउन सॉइल ठीक है ये कहीं कहीं रूबियल में ठीक है जहाँ पे क्या हो गया एक लेयर बन गई है ऊपर ग्रेवल्स की ठीक है वहाँ पे ये हमें एरिड ब्राउन सॉइल जो है ये मिलेगी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है नेक्स्ट आ रही है हमारी जी सियरोजन सॉइल जो कि डेजर्ट सॉइल को हाईली रेजोनेट करती है मतलब कि इसमें कंकड़ भी है इसमें कार्बोनेट कंटेंट भी है मॉइस्चर भी कम है ठीक है एंड इसमें जो है

क्लियर सो आई होप ये सिंपल सी क्लासिफिकेशन आपके माइंड में अब क्लियर हो चुकी है तो so, अब हम क्या करेंगे जो हम अपने हर सेशन में करते हैं ठीक है कि हम जो है क्वेश्चन आंसर की तरफ प्रोसीड करेंगे तो लास्ट सेशन में मैंने पूछा था कि रामसर साइट जो है सबसे बड़ा जो वेटलैंड कौन सा है हमारा ठीक है तो एक ही यूजर नेम से जो है बच्चे ने जो है उसका कमेंट किया था सो वेल एंड गुड कि आपने जो है उसका कमेंट करके बताया कि जो सबसे बड़ा वेटलैंड हमारा हरियाणा का कौन सा है ठीक है सो इसी तरह आपको जो है पार्टिसिपेट करना है एंड रिवाइज करते रहना है क्वेश्चन की तरफ चलिए विथ सॉयल टाइप इज फाउंड इन द शिवालिक रीजन ऑफ हरियाणा पांच ही तरह की जो हमारी टाइप है डिफरेंट तरफ से क्वेश्चन देखते हैं और इजिली हम इनको रिवाइज भी कर लेंगे ठीक है तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया शिवालिक रीजन की जो है सॉइल है वो कौन सी है रेडिश ट्रॉपिकल एरिड ब्राउन एरिड ब्राउन या फिर सीरोजेम सॉइल ठीक तो शिवालिक रीजन और पीडमाउंट जो रीजन है वहाँ पे कौन सी सॉइल मिलती है रेडिश चेस्टनट सॉइल 1000 थाउजेंड टू वन वन फिफ्टीन हंड्रेड एम की रेनफॉल है पीएच लेवल 6.5 पॉइंट फाइव टू सेवन पॉइंट फाइव है वीट मेज राइस ठीक है शुगर केन यहाँ की मेजर क्रॉप्स है क्लियर हो गया जी नेक्स्ट उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा है सेकंड

करनाल वाले क्षेत्र के आसपास मिलेगा हमें सोनीपत पानीपत राइट right? थर्ड क्वेश्चन देखिए अब विच सोइल टाइप हैज अ ग्रेवल लेयर कंकर एट अ डेप्थ ऑफ वन टू फिफ्टीन मीटर दो जगह पे कंकर की लेयर मिल रही थी ठीक है एक पे वन टू फिफ्टीन मीटर एक पे सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर टू वन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ठीक है तो रेडिस्टर्स ने ट्रॉपिकल एरिड ब्राउन एरिड ब्राउन या फिर सीरोजम सॉयल ठीक है तो एरिड ब्राउन जो सोइल है वहां पे क्या है अपर लेयर पे 1 2 15 मीटर पे जो है हमें ग्रेवल कंकर की लेयर मिल रही थी क्लियर ना और जो सेरोजिम सोइल है वहां पे हमें 75 सेंटीमीटर से ठीक है और 150 आई गेस राइट सेंटीमीटर तक जो है ग्रेवल की लेयर देखने को मिल रही थी इसमें मॉइस्चर भी कम हो रहा था ठीक है इसमें कार्बन जो कंटेंट है वो भी कम हो रहा था क्लियर जो ज्यादा हो रहा था ठीक है और ये जो है सीरोजन सॉइयल हमें रेप्लीकेट करती है हमारी डेजर्टिक सॉइल को क्लियर हो गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है विच सॉइल टाइप इज सैंडी एंड हैज अ लो ऑर्गेनिक मैटर एंड मॉइस्चर कंटेंट ठीक है तो क्वेश्चन में क्या है मैंने आपको बार बार जिक्र किया है डेजर्ट सॉइल को सीरोजन सॉइयल भी कहीं कहीं बोला जाता है बट अगर ऐसा कोई भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर उसमें दोनों कंफ्यूजिंग ऑप्शंस को नहीं डालेगा ठीक है बट अगर कहीं भी आपको बोल देना कि लो ऑर्गेनिक मैटर एंड मॉइस्चर कंटेंट तो मोस्टली वो जो है डेजर्ट ऑयल की ही बात कर रहे हैं ठीक है सो रेडिशेट नो हमने देखा शिवालिक के रीजन में थी ट्रॉपिकल नो दिस इज आवर अलगुवियल एरिड ब्राउन नो यहाँ पे हमें ग्रेवल की लेयर मिलेगी ठीक है एंड फाइनली डेजर्ट ऑयल जो है ठीक है जो थ्री हंड्रेड एम एम से भी कम रेनफॉल फॉल जहां पर देखने को मिल रही है तो मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया मॉइस्चर कम हो गया सैलिनिटी ज्यादा हो गई तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो जो डेड एंड डी हो रहा था प्लांट्स एंड एनिमल का वो भी कम हो गया क्योंकि वहाँ पे इतनी ड्राइनेस है कि वो जो है मॉइस्चर की जो उनको रिक्वायरमेंट है कि वो ऑर्गेनिक कंटेंट हमारी सॉइल के लिए ह्यूमस बने वो बनेगा ही नहीं राइट सो so, कौन सी सोइल का ये फीचर है डेजर्ट सॉइल ठीक है उसके बाद नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है विच सॉइल टाइप इज सुटेबल फॉर गोइंग बाजरा गुआर तिल इन हरियाणा ठीक है तो ये हमने जो है डिस्कस किया था कि कौन सा रीजन है कि रेनफॉल कम होती जा रही है जी तो रेनफॉल जो है कम होती जा रही है तो कौन से सब टाइप में जो है हमें गुआर बाजरा मोठ ठीक है मिलट्स जो है वो उगाने पड़ेंगे राइट सो रेडिश ट्रॉपिकल एरिड एरिड ब्राउन या फिर सीरोजम सॉयल ठीक है सो so आंसर क्या है इसमें डी सीरोजम सॉइल राइट एक तो हमारी हो जाती है सीरोजम सॉइल और दूसरी जो है हमारी डेजर्ट सॉइल में भी यही हमें जो है मेन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ती है क्लियर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर सिक्स है विच सॉइल टाइप इज फाउंड इन रीजन विद लेस देन थ्री हंड्रेड ऑफ एनुअल रेनफॉल इन हरियाणा ठीक है तो रेनफॉल हमने देखी थी कि शिवालिक से अरावली की तरफ जाते जाते कम हो जाएगी ठीक है रेड इस चेस्टनट की वन थाउजेंड एम एम टू फिफ्टीन हंड्रेड ठीक है उसके बाद ट्रॉपिकल एरिड की जो थी वो सेवन फिफ्टी टू वन थाउजेंड एरेड ब्राउन्स की क्या थी हमारी फाइव हंड्रेड टू सेवन फिफ्टी फाइव हंड्रेड टू सेवन फिफ्टी जो है राइट डेजर्ट सॉइल की क्या है बिलो थ्री हंड्रेड मीटर है ठीक है और उसके बीच हमारी थी सीरोज सॉइल ठीक है उसकी कितनी थी उसकी हमारी थी जी आ, अराउंड 500 तक ठीक है मैक्सिमम 500 हंड्रेड टू 500 के अराउंड जो है मिलीमीटर uh, की रेनफॉल वहां पे देखने को मिलेगी क्लियर सो so, ये क्या है हमने बस एक क्लासिफिकेशन देख ली डिस्ट्रिक्ट देख लिया उनके मेन फीचर देख लिए इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे इतना ईजी है ये हमारा सोइल्स वाला ठीक है एक दो बार रिवाइज करने से इजिली कवर हो जाएगा बट इफ यू फील की कोई डाउट रह गया है तो आप हमें जरूर जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं राइट नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज फाउंड इन द भागर भागर रीजन ऑफ द हरियाणा नाउ दिस इज नॉट भांगर ठीक है दिस इज द बागर रीजन जो कि ताल वाला रीजन था ठीक है जहां पे ताल बनेंगे जहां पे कुछ कुछ रीजन पे पानी जो है इकट्ठा हो जाएगा ये क्या है एक तरह का ट्रांजिशन जोन है ठीक है बिटवीन अलूवियल एंड द डेजर्ट रीजन ठीक है तो वहां पे कौन सी सॉइल मिलेगी रेड स्टेस्ना ट्रॉपिकल एरिड सीरोजम या फिर डेजर्ट तो आंसर क्या है सीरोजम ठीक है भागर के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है थीके? कि ये जो होता है रे, रेत वाला रीजन शुरू हो रहा है बट अभी प्रॉपर नहीं बने हैं वहाँ पे ठीक है तो टिब्बे नहीं अभी तक बने हैं ठीक है थीके? तो जहाँ पे अभी रेत आनी शुरू हुई है बट दूसरी तरफ से अलूडियल वाला रीजन एक ट्रांजिशन जोन है तो वहां पर कैसी सॉइल मिलेगी क्या प्योर डेजर्ट मिलेगी नो तो वहां पर मिलती है सीरोजम सॉइल ठीक है जी तो वहां पे हमें सीरोजम सॉयल देखने को मिलेगी बागर रीजन के अंदर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर एट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज माइल्डली एसिडिक टू न्यूट्रल ठीक है माइल्डली एसिडिक टू न्यूट्रल थी विद एन एनुअल रेनफॉल ऑफ थाउजेंड टू वन हंड्रेड फिफ्टीन फिफ्टीन हंड्रेड एम यहीं से हमें आंसर मिल गया है पीएच एच रेंज सिक्स टू सेवन इन हरियाणा ठीक है सो ये हमने कौन सी सॉइल की बात की है इसमें रेडिस चेस्टनट सॉइल की ट्रॉपिकल एरिड ब्राउन की एरिड ब्राउन सॉइल की या फिर सीरोजम सॉइल की ठीक है सो so, सिर्फ रेनफॉल ही देखने तो हमें पता है सिर्फ रेडिश रेडिस जो कि शिवालिक एंड माउंट रीजन में है वहां पे हमें इतनी रेनफॉल देखने को मिलती है राइट तो दीज आर द क्वेश्चन इस तरह से आपको एक बार सॉइल्स को रिवाइज करना है बहुत ही ईजी है ठीक है सॉइल्स वाला आपको कंसेप्ट करना बहुत ईजी है बस फाइव टाइप्स की सॉइल है विद उनके मेजर फीचर्स क्रॉप्स के साथ हम देख लेते हैं वो भी अगर हम रेनफॉल को जो हमारी वो फिजियोग्राफी है उसको अगर याद रखते हैं तो हमें क्रॉप्स भी ईजिल रिवाइज हो जाती हैं राइट सो आई होप यू फाइंड दिस सेशन गुड लाइक आपका बाकी हमारे सेशन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप इस सेशन में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे यू विलक like, अगर आपको कोई कमेंट होगा ठीक है कोई डाउट होगा तो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछेंगे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे राइट right? तो उसके साथ-साथ क्या है जैसे हमने एमसीक्यूज में अभी सोइल को रिवाइज किया है इफ यू वांट टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स ठीक है आपको खुद से अब रिवाइज करना है क्योंकि हर एक चीज जो है ठीक है हम इन सेशंस में क्या है थोड़ी लिमिटेशंस तो रहेगी ही सो तो अगर आप अच्छे से प्रॉपर रिवीजन करना चाहते हैं

प्रिपरेशन अगर हम इस हिसाब से करेंगे कि हाँ मैं कवर करके जाऊँ हरियाणा जी के तो so, तो आप जो है अपनी प्रिपरेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं राइट सो रिवीजन में आपकी ये टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प करेंगी दोनों ही टेस्ट सीरीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ज़रूर आप जाके चेक कीजिए हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कीजिए सो यू कैन भी अपडेटेड विथ ऑल द अपकमिंग अपडेट अबाउट द एग्जाम्स राइट सो डू लाइक वीडियो शेयर इट एंड थैंक यू सो मच कीप प्लानिंग सी इन द नेक्स्ट सेशन